बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है टोयोटा इक्वा और गाड़ी की चेक इंजन लाइट आना है और ये गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। तो गाड़ी को स्कैन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आपने गाड़ी का जो प्रॉब्लम है उसको ट्रैक करना है। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने गाड़ी को स्कैन किया, गाड़ी पर कोड आ रहा है FE261C, इंजन कूलेंट पंप बी कंट्रोल सर्किट लो। तो इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों कि किस तरह आपने चेक करना है। ये वाटर बॉडी का जो कोड है हमने प्रेस में इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि किस तरह आपने इसकी वायरिंग चेक करनी है। जब वायरिंग का इशू हो, आपने इसमें कौन सी वायर में 12 वोल्ट सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई और कौन सी वायर में अर्थ चेक करनी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस तरह आपने इसकी वायरिंग चेक करनी है। तो दोस्तों, इसकी ग्रिप में पहली नंबर ब्लू वायर होगी, उसमें 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई आपको मिलेगी और पांच नंबर अर्थ की वायर होगी, उसमें आपने अर्थ चेक करनी है। तो सबसे पहले आपने पहली वायर में 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई चेक करनी है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पॉजिटिव सप्लाई नहीं आ रही। तो उसके बाद आपने फ्यूज़ चेक करनी है और इसकी ये इसकी रिले की लोकेशन है। इस रिले में आपने जो फ्यूज़ से पॉजिटिव सप्लाई आती है फ्यूज़ से, वो आपने चेक करनी है और दो जो कोयल की करंट होती है वो भी आपने चेक करनी होती है। और ये इसका 30 एम्पीयर का फ्यूज़ यहाँ पे लगा होता है, ये फ्यूज़ आपने चेक करना होता है। तो फ्यूज़ इसका बिल्कुल ठीक है, इसके रिले में भी करंट आ रहा है, लेकिन मसला जो है वो एक बार फिर आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपने इसको किस तरह चेक करना है। तो सबसे पहले आपने गाड़ी को इंजन पर स्टार्ट करना है और इसकी जो पहली नंबर वायर है ब्लू कलर की, उसमें आपने 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपने गाड़ी को जो है वो इंजन पर स्टार्ट करना है। इंजन पर कैसे स्टार्ट करते हैं इस पर वीडियो भी बनाई, आप वो देख सकते हैं। तो अभी गाड़ी इंजन पर स्टार्ट है और इसमें 12 वोल्ट जो पॉजिटिव सप्लाई है वो नहीं आ रही। तो इसके बाद आपने इसका फ्यूज़ चेक करना है दोस्तों। फ्यूज़ मैंने जैसे ही चेक किया, इसका फ्यूज़ ठीक है। अब इसकी रिले आपने निकालनी है, या फिर ये इसकी रिले, जैसे कि मैंने आपको बताई कि ये इसकी रिले, इस रिले को आपने बाहर निकालना है और इसकी रिले की जो करंट है वो आपने चेक करनी है। तो इसकी रिले की करंट भी मैंने चेक, इसके रिले में मतलब था रिले हमने चेंज किया, जैसे हमने रिले चेंज किया, अब आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लू वायर है इसमें करंट आ रही है। ये इसका फ्यूज़ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका फ्यूज़ है, फ्यूज़ बिल्कुल इसका ठीक है और ये इसकी रिले है। तो इसकी रिले में ये वाली डायरेक्ट करंट है, ये आउट वायर है, ये इसकी ये भी डायरेक्ट करंट है और ये इसकी दोनों जो कोयल की वायर है वो भी सही है। तो अभी इसमें जो है ये इसकी, तो इसकी रिले में मसला था दोस्तों, हमने रिले चेंज किया तो इसमें अभी करंट आ गई है। तो अब इसका ग्रिप हम लगाएंगे।